अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगी। आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ जी। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं गुजरांवाला के गांव अलीपुर चट्ठा, और आज बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जी फ्रेंड्स, देखिए रोड पे कितना पानी खड़ा है, आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और ये तकरीबन दो दिन से लगातार हो रही है, और बहुत ज़्यादा पानी है। लोगों की बाइक्स ख़राब हो रही हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, ऐसे ही रास्ते में खड़ी हुई हैं। तो हम आपको रास्ते में दिखाते जाएंगे अलीपुर के रास्ते में क्या क्या हालात हैं, क्या क्या चल रहा है। और मौसम बहुत ही मज़े का है, मज़े का मौसम हो गया तो बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ। मैंने जाना था जॉब पे, लेकिन मेरा एकदम प्लान बन गया कि मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। अम्मी लोग जा रहे थे और मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। मैंने उनको कहा कि आप मुझे स्टॉप पे उतार देना, मैंने जॉब पे जाना है। और जब मैं स्टॉप पे उतरने लगी तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि मैं जॉब पर जाते जाते गीली हो जाऊँगी, तो इसीलिए फिर मैंने कहा, एकदम मेरा दिल किया कि मैं भी इनके साथ घूम लूँ, मौसम अच्छा है। तो फिर मेरा प्लान बन गया और मैं बहुत खुश हूँ कि चलो मेरा ये प्लान काम आया, क्योंकि इतना मज़े का मौसम एंजॉय करने का मौका मिला। मैं तकरीबन 7 साल बाद आई हूँ अलीपुर। पहले तो मैं घूमी नहीं थी, वो भी मैं बारात के साथ आई थी कज़न की शादी पे, और उसमें आप घूमते नहीं हो, बारात के साथ होते हो, एक ही घर में बैठते हो और फिर चले जाते हो। लेकिन इस दफ़ा हम सब घरों में गए। फ्रेंड्स, हम रास्ते में रुके हैं और ट्रैफिक चल रही है, आ रही जा रही है, और माशाल्लाह बारिश का मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको खेत भी दिखाते हैं यहाँ की। बारिश का पानी खड़ा हुआ है फ्रेंड्स, और वो देखें। ये भी गाड़ी धो रहे हैं और ये हाथ में साफ कर रहे हैं। हैदर को गाड़ी चमकाने का बहुत शौक है, घर से भी धो के अच्छी तरह लेके गया था, रास्ते में बारिश से गंदी हो गई, फिर रास्ते में खड़ा करके धोने लग गया। इसने रास्ते में तकरीबन 2-3 दफ़ा ऐसे किया कि बार बार धो रहा है। हमने इसे मना किया है कि भाई बारिश है, गंदी होनी ही है, लेकिन उसको बड़ा होता है कि भाई मेरी गाड़ी गंदी ना हो। लोअर चनाब की नाल है जो कि चनाब से निकलती है, और मैंने मोबाइल थोड़ा ऊंचा करके वीडियो बनाई है गुज़रते हुए।
फ्रेंड्स, आपको आज पक्की ड्योढ़ी दिखाएंगे जो पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया का हिस्सा था और यहाँ हिंदू रहते थे। इसका पुराना नाम कालगढ़ था, जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, और इसमें तकरीबन 16 कमरे हैं। यहाँ लोग महफिलें जमाते थे, दोस्त सुबह सुबह बैठते थे, चाय पीते थे, जैसे अभी भी लोग बैठे हुए हैं। तो ये देखें, इन्होंने अब इसको लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है। और दूसरी तरफ रहाइश है, दूसरी साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे है ना, वहाँ पे भी 8 कमरे हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। तकरीबन 16 कमरे हैं दोनों साइड के, और लोग रह रहे हैं, बहुत खुशी से रह रहे हैं। अभी भी हिंदू जो यहाँ पे रहते थे इसको देखने के लिए आते रहते हैं, यहाँ के रहायशी बता रहे थे हमें। साथ ही पक्की ड्योढ़ी के दुकानें हैं, हजाम की दुकान है, सब्ज़ी की दुकान है, और ये आमदोरफ्त का ज़रिया है। यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं क्योंकि ये एक गली के साथ मुंसलिक है। ये पक्की ड्योढ़ी की अंदरूनी साइड है जहाँ पे लाइब्रेरी बना दी गई है, और ये जो लंबा सा आपको मीनार सा नज़र आ रहा था ये उसकी अंदर वाली साइड है। जी फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम फारिग होके जा रहे हैं अलीपुर में अपने रिश्तेदारों के घर, और आज बारिश भी हो रही है। इसकी छत कितनी मजबूती से बनाई गई है, जो आज तक मजबूती से खड़ी हुई है। फ्रेंड्स, हम आए हैं पक्की ड्योढ़ी अलीपुर चट्ठा कालगढ़। ये पहले यहाँ हिंदू रहते थे पाकिस्तान बनने से पहले, वो अभी भी आते हैं। यहाँ पे तेज़ बारिश शुरू हो गई है और गांव के बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी उनको देख के एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।